2023 রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং গণনা প্রক্রিয়া সহ আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন অনুকূটে জেলার জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডক্টর বিশাল কুমার। অনুকূটে জেলা শাসক কার্যালয়ে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিন্টু দাস, 50 পাবিয়াছড়া, 51 ফটিকরায়, 52 চণ্ডীপুর ও 53 কয়লা শহর জেলার এ চারটি বিধানসভা সভায় মোট 85.68% ভোট পড়েছে বলে এদিন জানান জেলা শাসক। पूरा सहयोग दिया। अभी तक जो हमारे पास संख्या मौजूद है उस हिसाब से लगभग 85.68% वोटिंग हुई है सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और जो हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है वो पबियाचेरा में है, दैट इज़ 86.66%, और जो थोड़ा लोअर साइड में है सबसे कम है वो है कैला शहर में, दैट इज़ 81.54%। आज स्क्रूटनी का भी काम कंप्लीट हो गया, तीन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, पबियाचेरा, फटिकरॉय, चंडीपुर में, और ऑब्जर्वर ने भी देखा कोई कंप्लेंट नहीं थी, परंतु एक कैला शहर से एक कंप्लेंट रिटर्न दी गई है 52/26 को लेके, जिसको ऑब्जर्वर्स ने अच्छे से एनालाइज किया। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डायरी थी उसको स्क्रूटनाइज किया गया, माइक्रो ऑब्जर्वर डायरी स्क्रूटनाइज की गई, पोलिंग एजेंट से और जो कैंडिडेट के एजेंट हैं और कैंडिडेट से बात की गई, और सबको स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद, सबको सेटिस्फाई करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो कंप्लेन थी उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अच्छे टाइमिंग के हिसाब से और एज़ पर रूल्स वहाँ पर ही समाप्त कर दिया। तो किसी भी तरह की इस कंप्लेन में रिपोल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। কৈলাসহর বিধানসভার 26 নং পোলিং বুথ শ্রীনাথপুর হাই স্কুলে রিপোলের দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছিল কংগ্রেস, তবে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডক্টর বিশাল কুমার জানান প্রিসাইডিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান করায় রিপোলের সম্ভাবনা বাতিল হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।